मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से, क्योंकि हमें नॉर्थ मिडिल के लोगों को जो है इस तरह मरने के लिए हमें ना छोड़े। हमारा जो भी है सरकार के पास में जो भी संसाधन है हम कम चलेंगे ठीक है, लेकिन ऐसे मरने के लिए हमें सिर्फ बस सर्विस चलाना है उसके लिए ना करें, क्योंकि इस तरह का हादसा हम लोगों ने देखा नहीं है कि इतना भयावह रोड एक्सीडेंट हो सकता है। क्या इंसान का जान का कोई कीमत नहीं है? इतना एसटीएस बस नया नया जब यहाँ पे आया हुआ है तो नया बस को क्यों नहीं देते है? पुराना बस दिया गया यहाँ पे, आज जो जब इतना पुराना बस है, इतना घटिया बस, इतना खराब बस को देते है, आज तीन तीन जन का जान चली गया, इतना सीरियस पड़े है, रास्ता इतना खराब है, रोड इतना खराब है, ना रोड बनाते है ना गाड़ी अच्छा देते है। आज स्कूल छुट्टी था, अच्छा हुआ आज स्कूल छुट्टी था, अगर स्कूल छुट्टी होना आज कितना बच्चा का जान चले जाता था, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो बस का हालत बहुत ही खराब है, पेड़ में टकराने के कारण बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, और घटना में आने के बाद में हमें देखा पुरानी दो जन का स्पॉट में ही डेथ हो गया। ये बस का हालत देखिए, काफ़ी स्पीड में भी था, लोगों का कहना था काफ़ी भीड़ था बस में और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यह है एसटीएस बस, रंगत से आ रहा था मायबंदर के लिए। आप लोग देखिए नहीं, नमस्कार, मैं आप तक चैनल रिपोर्टर। आप देख सकते हैं जो बस एक्सीडेंट हुआ था सुबह, उसमें जो ये भैया था, इस भैया को भी काफ़ी चोट लगा, लेकिन भैया बच गया, उसका आंख का ऊपर में चोट आया। आइए हम पूछते हैं बस में कैसा हादसा हुआ सुबह के। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौतम मंडल है, हम टोका पुरान नौ में रहते हैं, और हम सुबह जब बस में चढ़ा, बस तो अच्छा सफ़र हुआ, फिर जब वाले स्टेशन आया तो वहाँ से पूरा घुमाई है, तो घुमाई में एक घुमाई घूमने के बाद ड्राइवर बोलता है गाड़ी ब्रेक, गाड़ी जब स्पीड में घूमता ना, तो हम बोला क्या होगा गाड़ी इतना घुमाई में इतने स्पीड में घूमता, फिर हम खड़ा हो गया, खड़ा होकर पूछा तो बोलता गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, सब तो गाड़ी के अंदर चिल्लाना शुरू किया, फिर ड्राइवर कोशिश किया, काफ़ी कोशिश किया, नहीं सका, फिर जाकर पेड़ में बचाने के लिए पेड़ में मारा, तो पेड़ तो सड़क के चला गया, पेड़ में लगा भी नहीं, चक्का का सामने का टूट गया, ऐसी टिड़सा है बोल के चला गया गाड़ी जाके, तो काफ़ी टीना उना टूट के आदमी लोग गिर गया, मर गया, दो आदमी भी मर गया उसमें। तो आपको कब मालूम चला कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था? जब एक घुमाई स्पीड में घुमा ना, उसी टाइम हमको मालूम हो गया गाड़ी एक घुमाई में इतना स्पीड में गाड़ी क्यों घूमता है, तभी हमको पता हो गया, जब सामने से सुनाई मिला कि गाड़ी ब्रेक फेल हो गया, तभी हम लोग खड़ा हो गया, तो जहाँ सब सुना उसी के बाद एक घुमाई में आके ड्राइवर कोशिश किया बचाने के लिए, फिर साइड में जाके पेड़ में मारने का कोशिश किया था, लेकिन पेड़ में लगा नहीं, वहाँ ढीला वाला मिट्टी था, रास्ता बनाने वाला का ढीला मिट्टी था, बोल के चक्का सड़क के दूसरा पेड़ में जाके मारा, दो पेड़ टूट के, जो पेड़ में मारने का था वो पेड़ में लगा नहीं, फिर जाकर गाड़ी गिरा, सब टूट टूट के आदमी भी जो जान चला गया दोनों का। बस में कितना पैसेंजर होगा सर? आप जब कितना होएगा? वही 25-30 पैसेंजर ही होएगा, ज़्यादा नहीं था, पीछे सीट पूरा ही खाली था, पीछे सीट में हम अकेला था, हम टायर का पीछे वाला सीट में था, बहुत काफ़ी खाली था, बस पीछे पूरा खाली ही था, सामने थोड़ा भरा था, सामने सब सीट फुल था, पीछे आपका सीट पूरा खाली था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, हम आए हैं टोकापुर मेडिकल में, जो हादसा हुआ उसके बीच में हमारा टोकापुर के प्रधान है, जनता को कुछ कहेगा तो सुनते हैं उसके बाद। नाम बताइए। मेरा नाम शिवानंद बैरागी, प्रधान ग्राम पंचायत पहलगा। मुझे सवेरे करीबन 6:45 खबर मिला, तो मैं पहले स्पॉट में गया, स्पॉट में जाके जो हादसा देखा बहुत दर्दनाक था, लेकिन अस्पताल में जब हम लोग आए तब पता चला कि दो जन का जो है कैजुअलिटी हुआ है, और
जो बस का कंडीशन देखा, क्योंकि बस एक तरह से कि वो जो है ऐसा लगा कि वो टिंका का जैसा उड़ गया, पूरा छत उसका उड़ गया, इतना भयावह दृश्य था। लेकिन हाँ, भगवान का शुक्र है कि वो बस, आज छुट्टी का दिन होने के नाते पैसेंजर कम था, हमारे स्कूली बच्चे नहीं थे, सरकारी कर्मचारी नहीं थे। लेकिन जो दुखद बात ये है कि जो परिवार इसमें जो है उनका देहांत हो गया, हमारा गांव का गुरु स्वामी नाम का एक लड़का जो सब गुरु मूर्ति जो सब्जी बिक्री करके, और वही एक घर में ऐसा था जो कमाने वाला था, उनका छोटा 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 बेटी, अपना बीवी और बूढ़ी माँ, उनको लेके वो सब्जी बिक्री करके ज़िंदगी गुजरता था। तो मेरा क्योंकि प्रशासन से एक अपील रहेगा कि जो भी कैजुअलिटी का परिवार है, और भी है, और भी तीन जो पेशेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, भगवान ना करे कि उनका साथ में कोई ऐसा, वो परिवार के साथ में कुछ ऐसा हादसा हो। लेकिन जो परिवार के साथ में हादसा हुआ है, मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से, क्योंकि हमें नॉर्थ मिडिल के लोगों को जो है इस तरह मरने के लिए हमें ना छोड़े। जो बस है वो कोई ए सीरियल का है, डी सीरियल का है, लेकिन अगर एक जगह में एक प्राइवेट कोई ओनर का गाड़ी होता, बस होता, इतना देरी क्या क्या कार्रवाई होती। ये जो खराब बसेस है इसको चलाया जा रहा है, उसका स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई जो है एसटीएस का थ्रू से सही तरह से नहीं किया जाता, उसका रिपेयर मेंटेनेंस सही तरह से नहीं होता, तो उस तरह बस क्यों चलाना। मेरा मांग है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, सीएस साहब से, हमारा जो देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, हमारा दीपों का सांसद, सभी से कि ये जो परिवार, जो परिवार में आज कोई नहीं है कमाने वाला, ये परिवार का क्या होगा, इसका कुछ ना को विहित एसटीएस डिपार्टमेंट का तरफ से किया जाए। और ये मैं जोरदार तरीके से गांव के प्रधान होने के नाते मांग करता हूँ कि इनका जो है जो भी, और एसटीएस डिपार्टमेंट के ऊपर में इस तरह का जो भी बस है, इसको तत्काल जो है रोक दिया जाए ऐसे बसेस को, और नया बस यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए प्रशासन के द्वारा, एसटीएस विभाग के द्वारा। हमारा जो भी है सरकार के पास में जो भी संसाधन है, हम कम चलेंगे ठीक है, लेकिन ऐसे मरने के लिए हमें सिर्फ बस सर्विस चलाना है, इसके लिए ना करें। और एक परिवार का जो भी मुआवजा है सरकार की तरफ से देना, और जो यहाँ पे पेशेंट आज जो सीरियस कंडीशन में है उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि जो कैजुअलिटीज़ हो गया आगे और ऐसा कोई कैजुअलिटीज़ ना हो। क्योंकि मैंने देख रहा, मैं सवेरे से यहाँ पे अस्पताल में खड़ा हूँ, हमारा डॉक्टर सभी विभाग जी जान लगा के एक एक पेशेंट का सेवा करने में, हमारा गांव का युवा, माता बहने, गांव वाले सब लोग जो है एक बेहतर तरीके से तालमेल के साथ में, हमारा पुलिस का जवान, फायर ब्रिगेड का जवान, सब लोग, क्योंकि इस तरह का हादसा हम लोगों ने देखा नहीं है कि इतना भयावह रोड एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि प्रशासन से कि आप इसे संज्ञान ले और कैजुअलिटीज परिवार को तुरंत मुआवजा का ऐलान हो, ताकि वो परिवार आगे जाके सफर ना करे, और वो जो है जी सके, अपनी बूढ़ी माँ जो है, आज उसका कोई भाई भी नहीं है, अकेला है, उनका एक बेटी है, उनका छोटा से एक छोटा बच्चा, तीन बच्चा है, उसका वाइफ है। तो ये जो है ये परिवार के साथ में हम सभी का संवेदना भी है, प्रशासन को भी इसके संवेदना रखना चाहिए, सभी लोग इनका प्रयास करें, ताकि ये परिवार जो है कल ऐसा ना हो कि हम आप लोगों के समक्ष में दौर दौर में भटकता रहे और सब लोग मूक दर्शक बन करके देखता रहे। क्योंकि हमारा तो आदत है कि हम जो आज हुआ थोड़ा देर तक शोक मनाएंगे, लेकिन जब पार हो जाता है दो दिन तो सब हम लोग भूल जाते हैं, ताकि जो हो गया हो गया, दोबारा ऐसा ना हो, ये मेरा अनुरोध है। नमस्कार, बहुत ही बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, हमारे बीच में जिला प्रेस का मैडम, कुछ बातें कहना चाहूँगा इस एक्सीडेंट के बारे में, तो आइए मैडम से बात करें।
तो कैसा एक्सीडेंट हुआ, किस कारण हुआ, मैडम भी थोड़ी जानकारी हम आपको दी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बसंती देवी, जिला परिषद मेंबर चैनपुर और पहल। आज जो हादसा हुआ यहाँ पे, हम लोग का अरेस्ट कैंप पे जंगल पे, जो नहीं होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन इतना लापरवाही क्यों है? और जबकि बस इतना खराब है, जबकि नया नया बस दिया हुआ है, वो नया बस क्यों नहीं देते? और जो पुराना बस जो रिपेयरिंग में चलता था, वो वाला बस उठा के दे दिए। आज क्या इसको झुकी ना बोल के पुराना बस दे दिए? क्या इंसान का जान का कोई कीमत नहीं है? इतना एसटीएस बस नया नया जब यहाँ पे आया हुआ है, तो नया बस को क्यों नहीं देते? पुराना बस दिया गया यहाँ पे, जब इतना पुराना बस है, इतना घटिया बस, इतना खराब बस को देते हैं। आज तीन तीन जन का जान चली गया, इतना सीरियस पड़े हैं, उनका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आज क्या इंसान का जान का कोई कीमत नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, सो रहा है क्या? आंखें नहीं दिखाई देते? रास्ता इतना खराब है, रोड इतना खराब है, ना रोड बनाते हैं, ना गाड़ी अच्छा देते हैं। जो बस में आने जाने वाला पैसेंजर को कितना तकलीफ होता है, उसका बारे में कौन सोचने वाला है? आज का दिन में उनका परिवार के ऊपर में क्या बीत रहा है, उसका हालत कौन पूछने वाला है? आज क्यों नहीं आंखें खोलते? आज का दिन में आज स्कूल छुट्टी था, अच्छा हुआ आज स्कूल छुट्टी था। अगर स्कूल छुट्टी होना, आज कितना बच्चा का जान चले जाता था, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुराना एसटीए बस बंद करिए और नया बस दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं मैडम का ये कहना, और जहाँ तक भी पहले भी मैडम लोग का कहना है, लोगों का कहना है, बस का हालत खराब था। और अभी मैंने जब बात करा तो लोगों का कहना, कल भी ये बस रिपेयर में था, तो ये बस को जब वो बस नहीं था करके बस को दिया गया और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तीन लोग का जान गया और काफ़ी छः जन अभी ओला हेली में यहाँ पे भेज मायाबंदर हेलीपैड से भेजेगा, कुछ समय बाद यहाँ से भेजेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे से मेडिकल है, इतना फैसिलिटीज नहीं दिया जाता, फिर भी मेडिकल के द्वारा मैडम डॉक्टर हैरिस मैडम काफ़ी अपना जोरदार काम करते हुए, मैडम काफ़ी सपोर्ट करते हुए, पर तुरंत ही यहाँ से मैडम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए, जितना मरीज से बचाना था, बहुत जन का चोट जो मरीज डाल के, तुरंत ही मैडम ने यहाँ पे पोलर रेफर छः जन को यहाँ पर किया गया। तो उसके बारे में और भी हमारी जानकारी मैडम से। देखिए रंगत से जो मायाबंदर आया वाला बस है, वो इतना पुराना बस जो दिया हुआ है, आज कितना जन का जान ले गया है, ठीक है? इसका रिस्पांसिबल कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगा क्या? इसका रिस्पांसिबल जो है एसटीएस का सेक्रेटरी से लेके पूरा एई जेई सब जो है, इसका जो पब्लिक को जो है जवाब देना पड़ेगा। जो इंसिडेंट हुआ है उसका भी उनका भी जवाब उन लोग देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके क्या होएगा मालूम नहीं। आज इतना देखिए रोड का कंडीशन देखिए कैसा है, इतना नया नया बस दिया हुआ है, क्यों ये बस पुराना चलाते हैं? बस ये एसटीएस बस जितना भी पुराना है सबको बंद कर दीजिए। आज कितने बच्चे जो है स्कूल ये रोड में यही पुराना बस में स्कूल में आते जाते हैं। कल ये इंसिडेंट अगर ये स्कूल स्टूडेंट के साथ हो जाएगा तो क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेशन? रिस्पॉन्सिबल लेगा? इसका तुरंत रिपोर्ट जो है पब्लिक को एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए। एसटीएस का सेक्रेटरी रंगत का एई जेई जो भी है उन लोग यहाँ पे आना है और पब्लिक का जो आज का इंसिडेंट जो हुआ है उसका रिप्लाई देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का यही कहना है। सच में ये जो बड़ी घटना है, इसमें कोई भी बात हल्का में हमें नहीं लेना, क्योंकि देखिए एक बस में 26 जन था, जेम्स एक लेडीज, ठीक है, और स्पॉट में एक जन का तुरंत ही डेथ हो गया, ठीक है, जाकर लोगों का कहना है। क्योंकि जब बस खराब था वो बस को दिया क्यों गया, जबकि उसके पास नया बस दिया गया है, ठीक है, तो बस को यूज़ करना चाहिए था। ये जो NH का रोड भी बहुत ही ख़राब है, अब बहुत दिन से सबको पता है, ऐसा सबको बस बंद करना चाहिए, जितने भी पुराना बस है ये सबको बंद करना चाहिए। जो सर्विस दे सकता वही सर्विस दीजिए, जो नहीं सकता जबरदस्ती से सर्विस मत दीजिए। रिपोर्टर अब्राहम टोकापुर क्षेत्र से, नमस्कार।